गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए डाले जा रहे वोट। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की। केजरीवाल बोले, गुजरात के बेहतर भविष्य के लिए डालें वोट। गुजरात विधानसभा के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। गुजरात की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, पिछले दो दशकों में गुजरात विकास और शांति का पर्याय बना है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है, लेकिन ये गुजरात वासियों द्वारा चुनी मजबूत सरकार के कारण संभव हो पाया। मैं प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और संख्या में मतदान करें। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, गुजरात चुनाव के पहले चरण में आज 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। गुजरात में आज जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग है, वहां के सभी मतदाताओं से मेरी अपील, आपके पास सुनहरा मौका आया है गुजरात, और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट जरूर देकर आइए। इस बार कुछ बड़ा करके आइए। बता दें कि गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आपकी एंट्री ने गुजरात चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि गुजरात में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही चलेगा।